नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बात करूंगा आज जो कि ओमान मस्कत में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मतलब सलाला के लिए क्या बस स्टार्ट हो गई है। आपको बता दूं कि कल 4 अक्टूबर है, तो 4 अक्टूबर को जो कि पहले बताया था कि बहुत सारे इलाकों में ओमान में पहले तो 27 को ही बहुत सारे ओमान के इलाकों में बस चालू हो चुका है, लेकिन 4 को कहाँ पे चालू होगा आपके साथ शेयर करूंगा। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि ओमान से नई नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रही। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस समय हालांकि जो बस स्टार्ट किया जा रहा है उसमें बाकायदा सुरक्षा के बहुत सारे इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि बीमारी तो अभी ख़त्म नहीं हुई ओमान में, बढ़ता ही जा रहा है। अभी हालांकि 3-4 दिनों से अपडेट नहीं आ रहा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ओमान में इस समय छुट्टी का दिन चल रहा था। कल अपडेट आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कल अपडेट करेगी कि कितना केस आया है। लेकिन फाइनली गुड न्यूज है आप सभी के लिए, हालांकि सलाला के लिए तो बैड न्यूज होगी कि सलाला से अभी मतलब ये बस सर्विस नहीं स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो अब मतलब कल से जो कहाँ पे बस सर्विस स्टार्ट की जा रही है मस्कत में, अगर जो बात करें 4 अक्टूबर मस्कत शहर में सेवा शुरू कर दी जाएगी। पहले चरण में आपको तो 27 को तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि बहुत सारे इलाकों में चालू किया गया था 27 सितंबर से। आपको बता दें सलाला के भीतर जो सलाला है, आपको मालूम होगा दफर गोलमेन में, सलाला से मस्कत के लिए बस की बात करें तो आपको तो वहाँ पे 18 अक्टूबर के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि सलाला से क्या होगा, सलाला से बस स्टार्ट होगा या नहीं होगा, तो अभी तक अभी बिल्कुल नहीं होने वाला है। सलाला गवर्नमेंट में मतलब दफर गवर्नमेंट की वहाँ पे अभी बस स्टार्ट नहीं होगा, जो कि आपको बता दें वहाँ पे जो सुप्रीम कमेटी ने फैसला किया था उन्होंने कहा था 18 अक्टूबर से शुरू होगा, जबकि सुहार में परेशान की घोषणा बंद की गई है। अब की सुहार में मतलब अभी बंद किया गया है, उसको घोषणा किया गया था लेकिन अभी बंद ही चल रहा है। और आपको बता दें कि यहाँ पे मस्कत गवर्नमेंट, जो मस्कत गवर्नमेंट है, यहाँ पे बस सर्विस 4 कल से स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। तो ये थी अपडेट जो कि कल से फाइनली गुड न्यूज है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे लोग बस से सर्विस के मतलब अपना जॉब भी करते हैं और आते जाते इधर उधर है। तो मस्कत गवर्नमेंट, मस्कत की अगर जो बात करें तो कल से जो कि इसमें बाकायदा दिया गया, मस्कत शहर में सेवा फिर से शुरू किए जाएंगे करम, और सुरक्षा के बाकायदा इसमें काफ़ी ज़्यादा उपाय किए जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा बीमारी अभी भी ओमान में ख़त्म नहीं हुई, बीमारी तो पूरी दुनिया में नहीं ख़त्म हुआ है भाई। तो इससे इसके लिए मास्क वाक्स हो गया, सैनिटाइजर हो गया, और बस जब दूसरे स्टॉप पे पहुंचेगी, जैसे मान लीजिए रुई से चलती है फिर ये मबेला जाती है, तो हो सकता है वहाँ पे उसका सैनिटाइजर भी किया जाए, क्योंकि रिक्स लेने इसको फ़ायदा नहीं है लगातार मतलब बीमारी, उसमें कहाँ कहाँ के आदमी बस में बैठेंगे भी जाएंगे, तो क्या कौन आदमी कैसा है तो कोई नहीं जानता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।